हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब ठीक होंगे। रियल ब्लॉग्स कंचन में आप सभी का स्वागत है। तो अभी देखिए, हम प्याज काट रहे हैं और टमाटर काट लिए हैं और एक हरी मिर्च काटे हैं। तो इसका हम क्या बनाएंगे? इसका बना रहे हैं हम भेल। तो ये भेल बना रहे हैं हम कॉर्नफ्लेक्स से, जो मार्केट में मिलती है। तो सबसे पहले कॉर्नफ्लेक्स ले लेते हैं, उसको ले लिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं पहले चम्मच से। फिर हम इसमें ये जो प्याज काट के रखे हैं बारीक बारीक, इसको डालेंगे। और ये जो टमाटर काट के रखे हैं ये डाल रहे हैं हम। इसको डाल के मिक्स करते हैं। अगर धनिया पत्ता हो तो धनिया पत्ता भी डालिए। और ये आधा नींबू का रस है तो इसको डाल दिए हैं हम। अगर आपके पास भुजिया हो तो भुजिया भी ज़रूर डालिएगा, उससे और अच्छा टेस्ट आएगा। मेरे पास अभी नहीं था तो हम इसी से बना रहे हैं नाश्ते के लिए। सबसे पहले इसको मिक्स करके दोनों बच्चे को दे देते हैं, क्योंकि वो हरी मिर्च नहीं खाएंगे तीखा। तो इसको मिक्स कर लिए हैं अच्छी तरीके से। अब इसको बच्चे को दे देते हैं। फिर इसमें हम लोग हरी मिर्च जो काट के रखे हैं उसको मिक्स करेंगे, फिर हम दोनों खाएंगे। तो आप लोग भी अगर कभी नहीं बनाया है तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत पसंद आएगा सबको। तब हमारी मिर्च डाल दिए हैं, अब हम दोनों ले लेंगे। ये देखिए, भेल हमारा बनके तैयार हो गया है। ये उस दिन जो मूढ़ी माँ लाए थे तो मूढ़ी को हम रखे नहीं थे, आधा रखे थे, आधा ऐसे ही था। तो उसको हम रख रहे हैं यहाँ पे डब्बा में। डब्बा साफ किए थे, डब्बा सूखा नहीं था। फिर भी तब भी बच ही गया। माँ को बोले थे कि 3 केजी का लाने के लिए, माँ 5 केजी का लेके आ गए थे ये बोरा। वहाँ माँ के घर पे ना, मतलब माँ के गांव में इसका मिल है जहाँ पे ये मूढ़ी बनती है। तो माँ जब भी आती है तो वहाँ से लेके आती है मेरे लिए। तब यहाँ पे ये सब काम हो गया था, झाड़ू पोछा सब हो गया, सबका नाश्ता वास्ता हो गया। तब नहा करके पूजा कर रहे हैं। अब हम पूजा करके आए हैं खाना बनाने। तो खाना में ये चावल चढ़ा हुआ है, अब दाल बनाएंगे और सब्जी, भिंडी की सूखी सब्जी बनाएंगे। तो अरहर का दाल बना रहे हैं, तो उसमें नमक, हल्दी, थोड़ा सा तेल डाल के इसको सीटी लगने के लिए रख देंगे। फिर हम भिंडी काटेंगे। ये भिंडी मेरे ही छत पर से निकला है, किचन गार्डन से। तो देखिए कितना अच्छा भिंडी निकल जाता है मेरे छत से ही। यहाँ पे दाल हो गया था, चावल भी देख रहे थे कि चावल हुआ कि नहीं हुआ, तो चावल भी हो गया है। इधर तेल भी गर्म हो गया था, उसमें हम जीरा डाल दिए हैं और ये प्याज डाल दिए हैं। एक प्याज काट के रखे थे और 2 हरी मिर्च में ऐसे चीरा लगा करके वो रखे थे। हल्का सा जब गुलाबी हो गया था प्याज, तब अब ये डाल दिए हैं भिंडी, क्योंकि प्याज को ज़्यादा पकाएंगे नहीं, भिंडी भुनाएगा तो उसमें भी प्याज भी भुनाएगा, नहीं तो प्याज जल जाते हैं। थोड़ा सा भुन गया, तब देखिए भिंडी थोड़ा सा भुन गया है। तो अब इसमें हम नमक और हल्दी डाल के अब इसको थोड़ा ढक दिए हैं। तो फिर एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये थोड़ा भुन गया है अब, और मतलब उसका पानी सूख गया है। तब इसमें मसाले डाल देते हैं सूखे जो। तो इसमें धनिया मसाला डाले हैं और ये लाल मिर्च पाउडर डाले हैं। तब बस थोड़ा सा ही और पकाना है। हो गया है मेरा भिंडी का भुजिया, बनके तैयार है। तब यहाँ पर जो ये सब्जी वब्जी काटे थे, तब इसको भी हम साफ कर लेते हैं। सब्जी भी मेरा खाना लगभग में बन के तैयार हो गया है, चावल भी हो गया है। दाल को में सिर्फ तड़का लगाना है, दाल भी मेरा तैयार है, सब्जी भी मेरा तैयार है।
तो ये देख लीजिए आज का खाना बन के मेरा तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा भिंडी का भुजिया बन के तैयार हुआ है। तो आप लोग भी इस तरीके से अगर नहीं बनाते हैं तो एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। खाना बन चुका है मेरा, यहाँ पे देख लीजिए बच्चा सब, तो यहाँ पे बच्चे सब कार्टून देख रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए कार्टून चल रही है। आप सबको बाहर का धूप दिखाते हैं, देख लीजिए कितना तेज धूप आज निकला हुआ है, बहुत तेज है धूप। आज दाल दिए हैं सूखने के लिए धूप में, ये अरहर दाल है वो चना दाल है, बहुत तेज धूप निकला हुआ है, बहुत ज्यादा। तो हस्बैंड अभी आए नहीं है, अभी हम खाना बना करके यहाँ पे बैठे हैं। हम बाहर देखिए कितना तेज धूप हो रहा है ना, बहुत तेज धूप हो रहा है, फिर गर्मी हो गया। अभी जब वो आएंगे तो फिर हम लोग खाना खाएंगे, अभी 1:30 बज रहा है। तो ये आज का खाना है दाल चावल भिंडी की सूखी सब्जी और ये अचार है आम का जो माँ दी थी। तो हम लोग का खाना हो गया, हम लोग खाना खा लिए हैं, अभी तो तेज धूप हो रही है, थोड़ा आराम करेंगे फिर वीडियो का एडिटिंग करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।